दोस्तों आज हम करने वाले हैं सिंपलीफाई। ठीक है, तो हम इसको हमारे इसमें मल्टीप्लाई भी है, पहले हमारा मिक्स फ्रैक्शन है। ठीक है, 2 3/5 है इंटू 7/9 है और फिर डिवाइड का साइन है और 3/7 है। तो पहले हम इसको सिंपल करेंगे। तो मिक्स फ्रैक्शन को हम सिंपल फ्रैक्शन में कैसे करेंगे, हमने बोला इन दोनों का क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है, ये प्लस होता है। मीन मतलब 5 × 2 + 3 कितना, 5 × 2 = 10 और 3 = 13। तो हम क्या लिखेंगे, 13/5 मल्टीप्लाई 7/9 और डिवाइड बाई 3/7। ठीक है, अब हम इसको तो सिंपली मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। 13/7 कितना होता, 91। 13/7 = 91 और 9/5 = 45। लेकिन ये डिवाइड का साइन है तो ये डिवाइड का साइन। अब इसको हमें मल्टीप्लीकेशन करने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसका रेसिप्रोकल करना पड़ता है। मीन डिनोमिनेटर को ऊपर और न्यूमिनेटर को नीचे। कहने का मतलब यह है कि 91/45 मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे तो ये 7 ऊपर चला जाएगा, 7 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसको फिर मल्टीप्लाई, 7 × 1 = 7 और 7 × 9 = 63 अपॉन और 3/5 = 15 कैरी 1 और 3/4 = 12 135। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरह हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हमें सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन को क्या करना पड़ेगा, हमें मिक्स फ्रैक्शन को कितने में करेगा, सिंपल फ्रैक्शन में करना, फिर मल्टीप्लीकेशन करना और डिवाइड वाले को हमें मल्टीप्लाई के साइन में लाने के लिए हमें इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। मीन डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर बनाना पड़ता है, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर बनाना पड़ता है। इस तरह हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना। थैंक यू।